फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मामू सिंपल लाइफस्टाइल। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन लिवर करी की एक रेसिपी शेयर करूंगी। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है, आप इसे रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिवर करी बनाने के लिए तो लिवर लिया है यहाँ पे 200 ग्राम, और इसके साथ नमक 1 चम्मच और हल्दी देकर यहाँ पर मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने गार्लिक लिया है करीबन 8 से 10 गार्लिक, और 1 से 1.5 इंच अदरक, और रोस्टेड ज़ीरा और धनिया जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है, और इसके साथ 1 अनियन मैं ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे जो मसाला है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल लेकर उसे गरम करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं दे रही हूँ 3 से 4 इलायची और दालचीनी, और इसके बाद जो है 2 तेज़पत्ता इसके साथ मैं ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसके जो फ्लेवर है ऑयल के साथ मिक्स्ड हो जाए। उसके बाद बारीकी कटी हुई जो अनियन है उसको मैं दे दूँगी, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे 2 हरी मिर्च यहाँ पे काट के दे रही हूँ, और इसके बाद जो है कटे हुए चॉप्ड किए हुए जो टमाटर है उसे मैं 2 दे रही हूँ छोटे साइज़ का। अभी इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक मैं इसे पकाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, इस टाइम पर मैं जो मसाला मैंने बनाया था वो अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसके साथ। अभी इसे भी अच्छे से चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है मसाला को। अभी इस टाइम पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च जो है इसके साथ 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, इससे कलर थोड़ा सा अच्छा आएगा। मसाला जो है थोड़ा सा भून जाए, उसके बाद गरम मसाला 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सनराइज़ का जो गरम मसाला है वो मैंने यूज़ किया है। उसके बाद 1 चम्मच जो चिकन मसाला है वो मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ, ये भी मैं सनराइज़ का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसे जो है अभी मिक्स्ड कर अच्छे से भूनना है। और हाँ, यहाँ पे जो है 1 चम्मच मैं सॉल्ट ऐड किया था, तो उसे मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, तो सॉल्ट जो है अपने टेस्ट के हिसाब से दे। तो मसाला जो है इस टाइम पर अच्छे से भून चुका है, तो इस टाइम पर सारे जो चिकन की लिवर है वो मैं इसके साथ ऐड कर दूंगी, और उसके साथ अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी सारे जो मसाला है। इसके बाद जो है थोड़ा सा हेल्दी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अभी इसे भी अच्छे से मिक्स्ड करके मैं इसे ढक दूँगी जब तक ये अच्छे से मसाला के साथ मिक्स्ड होकर थोड़ा सा भून ना जाए। तो करीबन 7 से 10 मिनट बाद ढक्कन हटा के ये देखिए, तो यहाँ पे जो है ऑयल सेपरेट हो गए हैं साइड पर, तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, और जो चिकन की जो लिवर है उसके साथ जो मसाला है पूरी मिक्स्ड हो चुके हैं। तो इस टाइम पर अच्छे से मैं इसको मिक्स्ड कर दूँगी। तो इस टाइम पर गैस के फ्लेम को मैं मीडियम टू हाई करके मैं इसे अच्छे से कुछ सेकंड के लिए मैं चलाते हुए पकाऊंगी।
तो चिकन की जो लीवर है काफ़ी पूरी तरीके से हो चुका है, तो इस टाइम पर जो है थोड़ा सा ग्रेवी हमें चाहिए। इसके लिए पानी में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, एक छोटे कप का मैं पानी यहाँ पे दिया है। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए ढककर मैं पकाऊंगी गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई करके। देखिए 5 से 7 मिनट बाद ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर जो है बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही टेस्टी भी लग रहा है। तो इसे जो है आप रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मामा कह रहे हैं।